और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। क्या नए साल में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या नए साल में बिहार में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से अपनी कुर्सी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं? क्या आरजेडी ने सत्ता हथियाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिहार में 2023 में तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री इस सवाल पर बीजेपी वालों को खुशी मनाने की नसीहत दे रहे हैं। 2023 में तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी, पीएम नीतीश कुमार की जाएगी कुर्सी, चुनाव से पहले बिहार में होगा सत्ता परिवर्तन, बीजेपी की भविष्यवाणी के क्या है मायने? बिहार में नई सरकार को गठन हुए अभी 5 महीने ही बीते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तन की खबरें सियासी गलियारों में शोर मचाने लगी हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तख्ता पलट की तैयारी में हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा अध्यक्ष भी आरजेडी के कोटे से आते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपनी सरकार बचाना मुश्किल होगा। देखिए, 23 में ही इनकी सत्ता चली जाएगी। राजद के लोग मन मिजाज बना चुके हैं, ये या तो अपने से सौंप दे सत्ता और नहीं तो इनकी सत्ता पलट देगी। और ये बात का आभास इनको भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी इनके हैं और ये खेल सब जारी है। जिस गंभीरता से बीजेपी ने नीतीश सरकार के तख्ता पलट का शिगुफा छोड़ा, उतनी ही हंसी ठिठोली में सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। हमारे संवाददाता ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि 2023 में नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जवाब सुनिए। कैसे सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नाम पर चहक उठे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2023 में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बर्खास्त कर देंगे, इससे अच्छा क्या होगा? उनको कहिए एकदम खुशी मनाइए, खूब खूब खुशी मनाइए। नीतीश कुमार कई दफे तेजस्वी यादव को अपनी सियासी विरासत सौंपने की ओर इशारा कर चुके हैं। बोध गया में सीएम का यह बयान भी उसी ओर इशारा करता है। कांग्रेस भी यही बात कह रही है, सीएम चाचा ने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का समय तय कर दिया है। और चाचा भतीजा के जोड़ी चल रहा है और भतीजा कब सीएम बनेंगे वो चाचा ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी है जिसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के दावे पर आरजेडी प्रवक्ता हमलावर हैं, पूछ रहे हैं भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जबकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की दलील है कि इस बार बिहार नीतीश मुक्त होगा। अब कोई प्रधानमंत्री तय कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री तय कर रहा है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आंगन मेरा है, निर्णय क्या होगा वो तो गठबंधन दल के नेता लेंगे, आपका क्या काम है? अरे अपने आंगन को देखो, जिस संवैधानिक पद पर बैठे उस पद की मर्यादा को देखिए, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में क्या करते हैं नहीं करते हैं अब इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता इसके लिए तैयार है कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त बिहार बनाना है। राजनीति में जो बात कही जाती है वो होती है, जो होती है वो दावा किया जाता नहीं। शिगुफा सियासत का सबसे मन बहलाव तरीका है, इससे पक्ष विपक्ष दोनों का दिल लगा रहता है। जनता समझ भी नहीं पाती है कि सच में होने क्या वाला है। पटना से रजनीश और गया से रुपेंद्र की रिपोर्ट,
जी मीडिया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।